हेलो फ्रेंड्स, देख लो सभ्या क्या कर रहे हैं। सभ्या हैं दुकान पर और आज मैं भी आई थी सभ्या के साथ क्योंकि मुझे डॉक्टर के पास जाना था। मेरा पेट बहुत ज़्यादा दर्द कर रहा था, मेरी तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं थी। पता नहीं क्या हो गया था, समझ में ही नहीं आया। और तो मुझे डॉक्टर के पास भी जाना था और थोड़ा बहुत कुछ और भी काम था। तो मतलब मेन काम तो मुझे डॉक्टर के पास ही जाना था, मेरा वही था। तो यहाँ पे आके देखो सभ्या, तभी तो मुझे छोड़ के अकेला आ जाता है यहाँ पे। यहाँ देखो कितनी मस्ती करता है, मुझे अकेला घर पे छोड़ के आ जाता है। मैं वहाँ पे मतलब कुछ भी करूँ, चाहे मुझे याद आए या याद आती रहे, और इसे तो मेरी याद आती ही नहीं है क्योंकि ये तो देखो बिल्कुल मगन है, अपनी मस्ती में अपने झूला पे अपन झूल रहे हैं। तो बस सभ्या कर रहे थे मस्ती, थोड़ी देर खेलने के बाद हम लोग गए थे मार्केट। तो ये देखो इसे ये बनाना खिला रहे हैं, मुझे तो खा ही नहीं रहा था, बोला पापा से ही खाऊंगा। और ये शोर आ रहा था, मैं इसे सोते हुए ले गई थी तो फिर इसे भूख लगने लगी। तो मैं शाम को गई थी ऐसे 4 बजे, 4:30 बजे के करीबन, तो ये सो रहा था, मैं तो इसे सो के ही उठा के ले गई थी, इसे भूख लगी थी। तो बस वहाँ पर इसके लिए बनाना मंगाए, तो बनाना खा के ये अपने खेलने में मस्त है। ये इसमें से कुछ निकालेगा, मतलब इसे सारा चीज़ से पता रहता है कौन सी चीज़ कहाँ रखी है, क्या करना है। ये सारे डिब्बों को नीचे उठा के रख लेगा, फिर उनमें रखेगा। मतलब बच्चों की तो खेल ही अलग होती हैं। और इसे मैं साथ ही साथ बनाना भी खिला रही थी कि ये खा ले तो थोड़ी देर खेलता भी रहेगा। और पता नहीं सभ्या की भी तबीयत ठीक नहीं है, पता नहीं क्या है, इतना रो रहा है इस टाइम, इतना मतलब चिड़ सी हो गई है, इतना चढ़ता है। अगर इसे कुछ भी कहो ना तो बहुत ज़्यादा चढ़ने लगता है, अपना सर ज़मीन में देने लगता है या दीवार में देने लगता है। पता नहीं इसे क्या हो गया है, समझ में नहीं आ रहा, ना तो कुछ खा रहा है ना पी रहा, बस रोता ही रहता है सारे दिन। हाँ यहाँ आ जाए ना, दुकान आ जाए तो बिल्कुल नहीं रोएगा। तो ये हमारी दुकान, देख लो कितने सारे टायर रखे हैं। बोलने में थोड़ा मेरी गड़बड़ हो रही है, मैं ना थोड़ा धीरे धीरे वॉइस ओवर कर रही हूँ क्योंकि रात को कर रही थी मैं, 10:30-11 बज रहे हैं, सब लोग सो रहे हैं। तो मैं सोच रही हूँ कि क्यों किसी की नींद ख़राब करूँ मैं, तो बिल्कुल आराम आराम से धीरे धीरे ही मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ। तो ये देखो सभ्या यहाँ पे क्या कर रहे हैं, सभ्या इसमें से हवा निकाल रहे हैं, और जितनी भी हवा बनाई थी सभ्या ने सारी निकाल दी। और यहाँ पे कोई आए थे साइकिल लेने, तो ये साइकिल का बिल बना रहे थे, कोई ग्राहक था तो बस इनका उसका बिल बना रहे थे। तो बस मैंने थोड़ा सा हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल में। आप कैसे हैं, आप लोग आई हो आप लोग ठीक ही होंगे, और मैं भी ठीक हूँ। तो मैं वापस लौट के आ गई हूँ घर, मैं आज गई थी मार्केट क्योंकि मेरी तबीयत भी ठीक नहीं थी, तो मैं सर डॉक्टर के पास भी गई थी, मार्केट भी गई थी। तो अब मैं आ गई हूँ घर, तो सोचा चलो थोड़ी देर आप लोगों से बात कर लूँ। तो बस मैं वापस घर लौट के आ गई हूँ, अभी मैंने चेंज नहीं किया है, बस मैं चेंज करती हूँ। तो मैं मिलूँगी, अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, और अब मैं आपको मिलूँगी एक अच्छे से वीडियो के साथ नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉच माई वीडियो।